रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई चिकन कैसे बनाएं? लग रहा है ना एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। दोस्तों रेस्टोरेंट में जो पैन में बनता है, मैं घर में बना रहा हूँ, तो मैंने नाम इसका कढ़ाई चिकन है, तो मैंने एक कढ़ाई में बना दिया है। तो चलिए दोस्तों, बारी है इसको सर्व करने की। रेडी है रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई चिकन। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, टेस्ट में तो दोस्तों ये लाजवाब है। आप भी बड़े आसानी से इसे घर में बना सकते हैं दोस्तों। थैंक यू। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों आज मैं बनाने जा रहा हूँ कढ़ाई चिकन। तो कढ़ाई चिकन के लिए चाहिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, तो चलिए चेक कर लेते हैं। चॉप ऑनियन, डाइस कटी हुई कैप्सिकम एंड ऑनियन, चॉप टमाटो, ग्रीन चिल्ली, जिंजर एंड लहसुन, और साथ में कढ़ाई मसाला दोस्तों जो मैंने आपको बताया, और मैं आप इसकी वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा दोस्तों कढ़ाई मसाला कैसे बनाते हैं। तो चलिए आज की मेकिंग शुरू करते हैं। दोस्तों कढ़ाई में मैंने जो है देसी घी ऐड कर दिया है, और साथ में आपको ऐड कर देना जिंजर एंड गार्लिक ग्रीन चिल्ली। तो चलिए घी जो है दोस्तों मेल्ट हो चुका है अच्छे से, तो चलिए इसकी मेकिंग जो है शुरू करते हैं। दोस्तों ये मैं घर में बना रहा हूँ, होटल और रेस्टोरेंट स्टाइल किस तरह से बनाते हैं। आप ऑयल भी यूज़ करते हैं, अगर आपके पास बटर अवेलेबल है तो बटर भी कर सकते हैं। चलिए इसको हल्का सा लाइट सोते हैं हम लोग कर लेते हैं अच्छे से। तो दोस्तों मैंने इसमें ऐड कर दिया है चॉप ऑनियन। चॉप ऑनियन को दोस्तों आपको ब्राउन कर लेना अच्छे से, काफ़ी अच्छी खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, प्याज की, और एक तो मैं इसको देसी घी में बना रहा हूँ घर के प्योर। मैं ट्राई करता हूँ दोस्तों आपको अच्छी से अच्छी रेसिपी देने की। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों इसको हम अच्छे से जो है भून लेते हैं। दोस्तों ये है सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, घर की मलाई। कढ़ाई चिकन अगर आप बना रहे हैं तो आपको अमूल क्रीम, मक्खन या घी की जरूरत पड़ती है, साथ में आपको हल्का सा स्वीटनेस के लिए अमूल क्रीम की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों मेरे पास अमूल क्रीम अवेलेबल नहीं है, तो मैं घर की मलाई जो है यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास घर की मलाई है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको यूज़ करिए, उससे टेस्ट जो है दोस्तों 200 गुना उसका डेवलप हो जाएगा। घर की चीज़ जो होती है दोस्तों प्योर होती है और काफ़ी हेल्दी होती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्याज जो है हल्का सा ब्राउन हो चुका है, थोड़ा सा ब्राउन इसको हम और करेंगे, उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे चॉप टमाटो। प्याज ब्राउन हो चुका है दोस्तों, लाइट ब्राउन हो चुका है, बाकी इसमें हम टमाटो ऐड करते हैं। तो चलिए टमाटो की बारी आ गई, टमाटो ऐड करते हैं। आपको ऐड कर देना है हल्का सा नमक, नमक मैंने ऐड कर दिया है, और अब टमाटर का गलने का इंतजार करना है दोस्तों आपको। टमाटर गलना भी स्टार्ट हो चुका है, उसे भी ऐड कर लेते हैं। लाइट सोते आपको करना है, हल्का सा क्रंच जो है बना रहना चाहिए चीज़ों का। मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक एंड रेड चिली। अब इसको दोस्तों हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, और हल्का सा पानी ऐड करना है ताकि मसाले जो हैं जले ना। मलाई भी मैंने इसमें ऐड कर दी दोस्तों एक चम्मच, इसको भी आपको अच्छे से धीरे धीरे मिक्स कर लेना है। दोस्तों चिकन मैंने इसमें ऐड कर दिया है, चिकन को आपको मसाले के साथ अच्छे से कोट कर लेना है, उसके बाद से कढ़ाई का मसाला आपको ऊपर से ऐड कर देना है। ये रेडी है आपका दोस्तों कढ़ाई चिकन। सेम रेसिपी इसी तरीके से कढ़ाई वेज कढ़ाई पनीर की है, रेसिपी सेम है, बट आपको चिकन की जगह पनीर ऐड कर देना है, और कढ़ाई का मसाला ऐड करके वो कढ़ाई पनीर हो जाएगा। तो चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों देखिए कितना प्यारा कलर आया है, और देसी घी जो है साइड से आ चुका है। अब बारी है कढ़ाई का मसाला जो मैंने बनाया था उसको ऐड करने की। मेन फ्लेवर दोस्तों इन मसालों का है जो मैंने खड़े मसाले इसमें ऐड किए हैं। रेडी है दोस्तों आपका रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई चिकन। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें मेरे वीडियो देखने के लिए। थैंक यू दोस्तों। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, टेस्ट में तो दोस्तों ये लाजवाब है।